नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉप 10 जॉन हिंदी में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे राजस्थान के टॉप 10 छात्र नेताओं के बारे में। दोस्तों इनमें से कोई आपका अगर फेवरेट हो आपका, तो उसके लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल। दोस्तों हमने मूल्यांकन किस हिसाब से कराया हुआ है, जिसमें अंतर छात्रों के लिए आवाज़ उठाने वाले लोकप्रिय वो अपनी शर्तों मनवाने के लिए, तो वीडियो को पूरा देखिए। 2016 और 2020 के बीच का छात्र नेता है ये। दोस्तों इस लिस्ट में आते हैं 10वें नंबर पर हनुमान तरड। दोस्तों ये जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर से चुनाव लड़े 2019 में, एनएसयू से हार गए। ये छात्रों के लिए आवाज उठाने के लिए जाने जाते हैं। जोधपुर के जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई प्रत्याशी हनुमान तरड़ के समर्थन में खुद वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष सुनील चौधरी और उनकी पूरी टीम जुटी हुई है। दोस्तों इसमें 9वें नंबर पर आते हैं लोकेश गोदरा। दोस्तों इन्होंने एमडीएसयू अजमेर से चुनाव लड़ा था 2019 में, एनएसयू से जीत गए थे। छात्र हितों के लिए काफी संघर्ष किया था इन्होंने। दोस्तों 8वें नंबर पर आते हैं आनंद सिंह राठौर। दोस्तों इन्होंने जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी से चुनाव लड़ा था 2015 में, यूपी के टिकट से जीत गए थे, खुद का मंत्र से जीते थे। दोस्तों 7वें नंबर पर आते हैं मूल सिंह राठौर। दोस्तों इन्होंने दो जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी से चुनाव लड़ा था 2018 में, यूपी से हार गए थे, बहुत कम मंत्र से हारे थे, इसलिए रिकाउंटिंग कराई गई, फिर भी हार गए थे। 6 नंबर पर आते हैं विनोद जाखड़। इन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से चुनाव लड़ा था 2018 में, एनएसयू के टिकट से जीत गए थे। इन्होंने छात्रों के अधिकारों के काफ़ी संघर्ष किया। 5वें नंबर पर हैं सुनील चौधरी। दोस्तों इन्होंने जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी से चुनाव लड़ा था 2018 में, एनएसयू से जीत गए। इन्होंने 3 बार छात्रों के लिए आंदोलन कराया था, ये बहुत फेमस है छात्रों के बीच में। 74 नंबर पर हैं पूजा वर्मा। दोस्तों इन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से चुनाव लड़ा था दिल्ली और जीत गए थे 2019 में, इन्होंने पहली दलित अध्यक्ष थी राजस्थान यूनिवर्सिटी की। 3 नंबर पर है कांत अग्रवाला। इन्होंने जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी से जोधपुर से चुनाव लड़ा था 2017 में, एनएसयू से जीत गए थे, ये जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष थी। 2 नंबर पर कुमार सिंह भाटी। इन्होंने जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर से चुनाव लड़ा 2016 में, एवीपी से जीत गए थे। दोस्तों छात्र नेताओं सबसे लोकप्रिय और मेरे भी सबसे लोकप्रिय छात्र नेता है रविंद्र सिंह भाटी। इसको आज पूरा आसाम में हर कोई जानता है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। दोस्तों इन्होंने बहुत संघर्ष किया है, बहुत बार इनको जेल भी जाना पड़ा है, और इनके उज्ज्वल भविष्य की हम कामना करते हैं कि बहुत जल्दी राजस्थान की राजनीति में आए। कल की डेट में यहाँ पे बच्चे आए आरपीएससी का, उनको वेरिफिकेशन,